बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी ऐसे लोग आज इस वीडियो के ऊपर सिर्फ इस वीडियो के थंबनेल को वॉच करके आए हैं, ठीक है। यानी आप सोच रहे होंगे कि हम तो सर के चैनल के ऊपर इसीलिए आते हैं ताकि हम लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो कर सकें, लेकिन आज यहाँ पे थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि वाई फेल फास्ट, यानी हम लोग इस बिज़नेस के अंदर क्यों जल्दी से फेल हो जाते हैं या फेलियर हमें क्यों इस बिज़नेस के अंदर जल्दी से आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के ऊपर हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। आज मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि लोग इस बिज़नेस के अंदर क्यों जल्दी से हार मान जाते हैं या क्यों जल्दी से फेल हो जाते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो भी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ का एक पार्ट है, ठीक है। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ क्या है, तो मैं दोबारा से बताता चलूँ कि जो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के अंदर ग्रो करना चाहता है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस को ज्वाइन किए हुए अभी स्टार्टअप है या कुछ देर हो चुकी है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर मैंने प्रॉपरली अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया हुआ है जो अभी तक मैंने इस बिज़नेस के अंदर कर लिया है, ठीक है। वो सारी टिप्स और ट्रिक्स बताई हुई हैं जिसके ज़रिए आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। मैं ये बात दावे के साथ आप सबको कहता हूँ कि जो भी पर्सन, भला वो लड़का है भला वो लड़की है, अगर वो पर्सन इस पूरी सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके वॉच कर लेगा ना, वन बाय वन करके सारी वीडियोज़ को देख लेगा, ठीक है, उस बंदे या उस बंदी को इस बिज़नेस के अंदर ग्रो करने से कोई बंदा नहीं रोक सकेगा, क्योंकि उसको वो सारी ट्रिक्स और टिप्स पता होंगी जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस के अंदर ऊपर आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों के माइंड के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो हमारे माइंड में फेलियर का कॉन्सेप्ट है ना, फेलियर वर्ड का, वो हमने सही करना है, ठीक है। हम लोगों के माइंड में फेलियर का जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है वो ये है कि अगर हम लोग एक चीज़ के अंदर फेल हो गए ना, तो हम लोग दोबारा से उस चीज़ को जो है ना वो ट्राई करेंगे तो हम दोबारा से फेल हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग उसको जो है ना वो पास आउट नहीं कर सकते या उससे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। स्कूलों ने, कॉलेजों ने हमारे माइंड में ना काफ़ी सारे गलत कॉन्सेप्ट जो है ना वो बना दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग ये चीज़ देखें कि अगर हम लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर हम लोग फेल हो गए ना, ठीक है, तो हम उसका जो पेपर अगेन है ना, यानी अगर हम उसको पास करना चाहें तो एक साल के बाद दोबारा से हमारा जो है ना वो सप्लीमेंट्री पेपर होता है, तो देन हम उस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर, हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है ना, इसके अंदर हम लोग अगले ही दिन, अगले ही मिनट के अंदर, जिस टाइम हम फेल हुए हैं, ठीक है, उससे अगले ही मिनट में या उससे अगले ही टर्न के अंदर हम लोग जो है ना अपने फेलियर से सीख के, ठीक है, दोबारा से अपनी जो है ना गलतियों को सुधार के दोबारा से हम लोग जो है ना वो इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अपनी गलती को सुधार के अपनी सक्सेस को जो है ना वो अपने पास लेके आ सकते हैं, ठीक है, अपने यानी फेलियर को साइड पर कर सकते हैं। हम दोबारा से इसके अंदर जो है ना वो बार बार ट्राई कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के अंदर फेलियर वर्ड होता ही नहीं है। यहाँ पर वर्ड होता है क्विटिंग, छोड़ देना किसी काम को, कुछ अरसे के लिए छोड़ देना, जो हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें थोड़ा सा फेलियर है, एक दो बार फेलियर आ गया ना, तो हम लोग काम को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए क्विट कर देते हैं। और हम में से काफ़ी ऐसे लोग समझ होते हैं कि हम लोग फेल हो गए हैं, लेकिन वो फेल होना नहीं होता, वो हम लोग कुछ देर के लिए बिज़नेस को क्विट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि हमारे सीनियर्स के पे आउट आ रहे हैं या कुछ चेक्स आ गए उनके, या हमारे जो डाउनलाइंस हैं, डायरेक्ट्स हैं, उनके कुछ चेक्स आ गए, तो हम लोग दोबारा से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और हम लोग ना दोबारा से बिज़नेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस बिज़नेस के अंदर वर्ड फेलियर तो होता ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर वर्ड होता है जो है ना वो क्विटिंग, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बता चलूँ कि जैसे कहते हैं ना कि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है, कि अगर आपको फेलियर नहीं ना आएगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कहे कि मैं रातों रात इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और सुबह मैं कामयाब हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपको फेलियर को पहले गले लगाना पड़ेगा, देन ही आप कामयाब हो सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग इस बिज़नेस के अंदर थे ना, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि यार हम किसी को भी कोई चीज़ समझाते हैं, बताते हैं, बिज़नेस के बारे में समझाते हैं, तो वो हमें एंड पे आके मना कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उनके फेलियर को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, अगर हम फेलियर को गले लगाना सीख लें, ठीक है, तो हम ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। हम लोग पहले से रेडी रहते थे कि लोग जी हमने पर्सन को तैयारी करवानी है, उसको वाली चीज़ समझानी है, लेकिन उसने एंड पे आके हमें मना कर देना, ठीक है, यानी हमें फेलियर सामने हमारे आ जाएगा, ठीक है। हमने फेलियर को गले लगाना सीख लिया, आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों के फेलियर को गले लगाते हैं कि वो फेलियर कब सक्सेस के अंदर चेंज हो गया, कब लोगों की ना हाँ के अंदर बदल गई, हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने एक ट्रैक है ना उसके ऊपर चलते रहना, ठीक है, क्योंकि अगर तो आप थोड़ा सा चल के थक जाएंगे, हार्ड मान लेंगे, बैठ जाएंगे, तो ठीक है, तो फिर दोबारा से आप जो है ना वो ट्रैक के स्टार्ट से शुरू होंगे। लेकिन अगर आप लोग आहिस्ता 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 चलते रहेंगे, फेलियर को गले लगाते रहेंगे, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे इस बिज़नेस के अंदर, ठीक है। इसीलिए क्विट नहीं करना, बल्कि
चलते रहना है, कंटिन्यूसली आपने जो है ना वो चलते रहना है, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि फेलियर वर्ड नहीं है। अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर फेल हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बेसिकली में उस बिजनेस को थोड़ी देर के लिए उस वर्ड को क्विट किया है, ठीक है, जो आपने अपनी वजह से किया है, ठीक है, उसको आप कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए जब कोई गलती आपसे हो जाए, ठीक है, या आपको लोगों का फेलियर आ रहा हो, ठीक है, तो इससे सीखे, फेलियर से सीखे, देन उसके बाद उसको दोबारा से इंप्रूव करके एनालाइज करें, ठीक है, उसको इंप्रूव करके दोबारा से अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कंटिन्यूसली बस आपने चलते रहना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी टीम के अंदर मेंबर्स बनते हैं, ठीक है, या जो आपकी टीम बनती है, ठीक है, आपकी टीम के अंदर जो भी मेंबर है ना, हर कोई जो भी पर्सन है ना, उसको एप्रिसिएशन भी बहुत पसंद है और उसको ना छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी पसंद है। अगर आप अपने डायरेक्टर्स को, ठीक है, छोटी छोटी कुछ असाइनमेंट्स देते रहेंगे, यानी अगर आप उसको कह रहे हैं कि आज आपने, हम जूम मीटिंग अरेंज करेंगे, आज आपका काम क्या है कि आपने जूम मीटिंग के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स है ना उनको ऐड अप करना है, ठीक है, उसको पता होगा कि यार आज की मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसे कह सकते हैं कि आज आपने थोड़ा सा बोलना है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप सबके सामने उसकी थोड़ी सी अप्रिशिएशन कर देंगे ना, तो उस बंदे को वैल्यूएबल फील होगा कि यार मेरी भी यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है, और मुझे भी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ, मेरे अंदर स्किल्स डेवलप हो रही है, ठीक है। क्योंकि बिना स्किल्स के अगर हम लोग तेज़ी से भागेंगे ना, तो हम लोग उसी स्पीड से जो है ना वो डबल स्पीड से हार के वापस आएंगे, ठीक है। हमने आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स को साथ साथ सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। एकदम से हमने ये नहीं करना कि आज हम बिजनेस में ज्वाइन हुए और हम लोग समझ रहे हैं कि हफ्ते के अंदर हमने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, अब हम लोग एकदम से काम तरफ आते हैं और उसी टाइम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्किल्स को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस आपने अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके कहले अपलाइंस हैं, आपने उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी है, उनसे चीज़ों को सीखना है, ठीक है, उनसे कनेक्टेड रहना है, ठीक है, उनसे चीज़ों को सीखने की बार बार उनसे कहना है कि सर मैम आप हमें ये चीज़ समझाएं, इस चीज़ के बारे में, जो चीज़ के बारे में आपको आइडिया नहीं है, आपने वो चीज़ें उनसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने उन्हें कहना है कि सर मैम आप मुझे इस चीज़ के बारे में समझाएं कि हम लोग अपनी टीम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको कैसे हमने समझाना है, उसके बाद लास्ट पे हमने उन्हें आपकी हाइप कैसे क्रिएट करके आपसे कैसे बात करवानी है, उनके ट्रस्ट इश्यूज़ को कैसे क्लियर करना है, उनके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इनका नाम स्किल्स है, ठीक है। हम लोग अगर स्किल्स को सीखेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन हम आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते चले जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे अगर हम लोग बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं ना स्टडी से, ठीक है, स्टडी के अंदर अगर हम कोई भी कोर्स करते हैं उसके अंदर हमें हज़ारों सवाल, काफ़ी सारी किताबें याद करनी पड़ती हैं, सवालों के जवाब याद करने पड़ते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर अगर हम 10-12 स्किल्स भी सीख लेंगे ना, ठीक है, तो हम करोड़ोंपति हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्किल्स जब हमारे पास होंगे ना, तो हम लोग किसी भी काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने स्किल्स के ऊपर, पहले सीखने के ऊपर फोकस करना है, पहले अच्छे से सीखना है, फिर इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर जो भी कमी बेशी हो वो अपने सीनियर से डिस्कस करते रहना है, वो आपको इंप्रूव करवाते रहेंगे, और जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती रहेगी ना, तो आप कंटिन्यूसली जब चलते भी रहेंगे साथ साथ, तो आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते, एक दो बार कोशिश करते हैं और फेल होकर बैठ जाते हैं, और वो लोग समझते हैं हम लोग फेल हो गए हैं, हालांकि उन लोगों ने वो चीज़ को क्विट किया होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने बिजनेस को क्विट नहीं करना, और ना ये समझना कि आप लोग फेल हो गए हैं, बल्कि आप लोगों ने ये समझना कि यार कहीं ना कहीं मेरी गलती है, आपने उसको एनालाइज करना है, और दोबारा से अगले ही लम्हे के अंदर आप उसको ट्राई करके अपने फेलियर को अपनी कामयाबी के अंदर बदल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताइएगा, और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उन सबके साथ इस वीडियोज़ को शेयर किए करें, ताकि उनको भी जो है ना वो नॉलेज मिल सके, ठीक है। क्या पता कोई एक ऐसी चीज़, ठीक है, कोई एक ऐसा ट्रिक जो उनके बिजनेस के अंदर वो इंप्लीमेंट करें और उनको अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए, उससे आपका बिजनेस भी अच्छा होगा और उनका भी बिजनेस अच्छा होगा, ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो के ऊपर, चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो लाजमी इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका जो है ना वो नोटिफिकेशन चला जाए, और आप फौरन से वीडियो को देख के नॉलेज गेट करें और उसके बाद अपनी टीम को सिखाएं।